रीवा के नवागत एएसपी अनिल सोनकर ने जिले की कमान संभाली है। रीवा पहुंचे नवागत एएसपी ने आमद दर्ज कराई। पूर्व में चुरैटा हनमना थाना सहित अन्य थानों के प्रभारी रह चुके नवागत एएसपी अनिल सोनकर को जिले की भौगोलिक स्थिति के संबंध में खासा जानकारी है, जिसका की फायदा जिले के लोगों को जरूर मिलेगा। आपको बता दें कि इनकी सिंगरौली से स्थानांतरित कर रीवा के एएसपी पद पर पदस्थापना की गई है। रीवा एएसपी रहे शिव कुमार वर्मा का स्थानांतरण सिंगरौली किया गया है। वहीं स्थानांतरित एएसपी शिव कुमार वर्मा 3 वर्ष से अधिक से समय में रीवा में पदस्थ रहे। आइए सुनते हैं नवागत एएसपी ने पदभार ग्रहण करते ही अपनी प्राथमिकताओं के संबंध में क्या कहा है। अपराध की रोकथाम करना जो पुलिस का काम है, कानून व्यवस्था बनाए रखना, उसके लिए जो आवश्यक है विधि अनुकूल सारी कार्रवाइयाँ करने की प्राथमिकता रहेगी। नशा का गढ़ रहा है रीवा और लगातार अपराध भी अभी हाल ही में बढ़ते गए, इसको कैसे रोकेंगे, क्या कैसे चीज़? अभी तो मैं आया हूँ, अध्ययन करूँगा कौन से अपराध हैं और उसमें किस तरह रोके जा सकते हैं, इसमें कार्य योजना बनेगी और पूरी पुलिस का एक टीम वर्क होता है, काम पूरी टीम के साथ नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे अपने पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में। रीवा से आप पहले से परिचित हैं और आप दोबारा रीवा में आए हैं और एक अधिकारी के पद पे आए हैं, तो अभी चुनाव के समय में तो किस तरह से आप चुनाव को पूरा संभालेंगे और ये शहर कैसे मैनेज करेंगे? चुनाव में पहले से यहाँ काम चल रहा है, अभी मैं चुनाव सेल में बैठा था, पूरी तैयारी हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय की, उनकी टीम पूरी लगी हुई है उसमें और हम बेहतर चुनाव कराएंगे, उसमें अच्छी व्यवस्था देंगे। सर अभी बॉर्डर इलाकों से ये मतलब चौकसी बढ़ाई गई है, बॉर्डर इलाकों से आपराधिक तत्व आ रहे हैं और कुछ शराब की पैकारी भी नज़र में आ रही है, अभी संवाद भी हुआ है बॉर्डर के पास एसपी साहब का आपके, तो वहाँ क्या रोकथाम कर पाएंगे? जितने भी इंटर स्टेट हैं उनमें नाके लगाए गए, फोर्स लगा हुआ है और जो हमारे सरहदी जिला और राज्य उनकी पुलिसों से बात भी हुई है, जो इंटर स्टेट नाके हैं उसमें जो बॉर्डर की पुलिस है वो भी कार्रवाई कर रही है, हमने अपराधियों को और इस तरह के धंधे में लगे लोगों के को चिन्हित किया है, उनकी जानकारी जो है आदान प्रदान की गई है, उस पर हम कार्रवाई करें।